वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक्सो गाइस। आज के स्टूडियो में बात करेंगे ओप्पो F19s डिवाइस के यूजर्स ने अपने डिवाइस में कलस्ट्रोल बीटा फॉर्म को अप्लाई किया था और कलस्ट्रोल बीटा पर अपडेटेड भी कर लिया था। बट यहाँ पर आपको आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 12 और कलस्ट्रोल का ऑफिशियल अपडेट है वहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर बात करेंगे एंड्रॉइड 11 यूजर्स को कब तक ये अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करेंगे क्या एंड्रॉइड 12 ऑफिशियल अपडेट के साथ में आपको AOD कस्टमाइजेशन और इजलाइटिंग का फीचर्स देखने को मिलता है या नहीं, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो F19s डिवाइस के एंड्रॉइड 12 और कस्टमर ऑफिशियल अपडेट के बारे में। उससे पहले एंड्रॉइड 11 यूजर्स को बताना चाहूँगा, आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको जो भी न्यू अपडेट देखने को मिलता है उसे आपको अपडेटेड कर लेना है। लास्ट में आपको वर्जन चेक करना, 8.24 के अपडेट वर्जन पर अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपके डिवाइस में 8.24 का अपडेट वर्जन अपडेटेड नहीं है तो आपको एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपका डिवाइस में एंड्रॉइड 12 मतलब जो 8.24 का अपडेटेड है वर्जन, तो आपको ये अपडेट विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको आपके डिवाइस में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम मुनियस को यहाँ पर ये अपडेट प्रोवाइड किया गया था। जिन्हें उसका डिवाइस कलेस्ट्रॉल बीटा अपडेट पर अपडेटेड है उन्हें उसको यार काफी सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे हीटिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, बैटरी डाउन इश्यूज एंड यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे। तो उन सारे प्रॉब्लम को एंड्रॉइड 12 और कलेस्ट्रॉल ऑफिशियल अपडेट के साथ में सॉल्व कर दिया गया है। आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कलेस्ट्रॉल बीटा यूजर्स को, आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, राइट टोकन पर सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको 300-400 MB के आसपास से अपडेट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉइड 12 की जो बिग फाइल थी वो यहाँ पर आपको बीटा के रूप में प्रोवाइड कर दी गई थी, तो आपको जो 300-400 MB का ऑफिशियल अपडेट देखने को मिला है उस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज को प्रोवाइड किया गया है। डिवाइस में न्यू वर्जन को प्रोवाइड किया गया है। डिवाइस के सारे बग एंड इश्यूज को फिक्स कर दिया गया है। साथ ही साथ डिवाइस की स्मूथनेस परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया गया है। अब बात कर लेते क्या एंड्रॉइड 12 ऑफिशियल अपडेट के साथ में आपको AOD कस्टमाइजेशन इज लाइटिंग का फीचर्स देखने को मिला या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये अभी फीचर्स को नहीं प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके डिवाइस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है तो आपके डिवाइस में AOD कस्टमाइजेशन इज लाइटिंग का फीचर्स सपोर्ट करता है। तो आपको जो भी न्यू अपडेट देखने को मिलेगा एक एक करके फीचर्स को प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की ओर से। यार आप तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, इसके रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख सको। इस वीडियो में इतना था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।